रुख कर लेते हैं, मोरबी हादसे को लेकर एनडीआरएफ डीआईजी क्या कुछ कह रहे हैं? बट आवर टीम्स आर वेल ट्रेंड टू टैकल दो सिचुएशंस. वी हैव गॉट गुड इक्विपमेंट्स, इवन दी आरओवीज आर देयर व्हिच हैव बीन प्रेजेंट टू सर्विस, एंड आवर एम इज टू जस्ट अकाउंट फॉर दिस मिसिंग पर्सन्स एंड द एक्शन बाय ऑल द ट्रूप्स प्लेस्ड देयर is on, and I think it will be only a matter of time when the operation is closed. Thank you. तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं. डीआईजी उसी की जानकारी देते हुए कि किस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 132 लोगों की मौत हो गई है और काफी लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है. कल से ही जिस वक्त यह हादसा हुआ है तब से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. तो कल गुजरात के मोरबी में ये देर शाम को बड़ा हादसा हुआ था. मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है. बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान करीब 400 से ज्यादा लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे और हादसे में अब तक 132 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 80 लोग अभी भी लापता हैं और अभी तक 170 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है. वहीं इस बड़े हादसे के बाद से ही एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में लगी हुई हैं. रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें घटना स्थल पर रेस्क्यू में जुटी हुई हैं. गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय टीमें कर रही हैं. उन्होंने इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा. गृहमंत्री ने बताया कि एसआईटी की टीम भी गठित की गई है जो कि इस मामले की जांच करेगी. मोरबी में हुए इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों से इसे लेकर बात की. पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बचाव अभियान के लिए टीमों को तुरंत घटनास्थल पर तैनात करने के आदेश दिए और इसके साथ ही उन्होंने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी रखने के अलावा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के लिए कहा. वहीं इधर गृहमंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया. अधिकारियों के मुताबिक ये पुल करीब 140 साल पुराना है जिसे रिनोवेट करने के 6 महीने बाद खोला गया और रविवार को बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ पुल पर पहुंची थी जिसके बाद भारी संख्या में लोगों के मौजूद होने पर पुल टूट गया और ये बड़ा हादसा हो गया. ये दुर्घटना कल शाम करीब 6:30 बजे हुई और अभी तक इस हादसे में 132 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी भी मौके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है. 80 लोग अभी भी इस पूरे मामले में लापता बताए जा रहे हैं और 177 लोग जो कि अभी तक बचाए जा चुके हैं यानी उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, अस्पतालों में भर्ती हैं जो कि घायल हुए हैं, उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए भी, हालचाल पूछने के लिए भी नेता जो है पहुंच रहे हैं. और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां और कल से ही जिस वक्त से हादसा हुआ है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें सेना सभी लगी हुई हैं, हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है. अभी सुबह से भी राहत और बचाव कार्य एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है क्योंकि करीब 80 लोग बताए जा रहे हैं जो कि अभी लापता हैं. तो हादसे के वक्त आपको बता दें करीब 400 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि पुल पर मौजूद थे और रविवार की छुट्टी का दिन था तो घूमने के लिए ब्रिज पर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे. अभी तक 132 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और अभी भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि काफी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं. 80 के आसपास लोग हैं जो लापता हैं जिनको लेकर ये सर्च चलाया जा रहा है और उन लोगों की तलाश की जा रही है और जो लोग अभी बाहर निकाले गए हैं सुरक्षित उन लोगों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हादसे के बाद जो मृतकों के परिवारजन हैं, पीड़ित हैं, उन सब के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और तमाम राहत का उन्हें आश्वासन दिया गया है. हर संभव मदद की कोशिशें लगातार की जा रही हैं. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मोरबी हादसे पर दुख जताया है और ये पुल आपको बता दें 140 साल पुराना है ये हैंगिंग ब्रिज और पिछले 6 महीने से रिनोवेशन का काम इसे लेकर चल रहा था क्योंकि बेहद पुराना पुल है तो उसे रिनोवेट किया जा रहा था और रिनोवेशन के बाद ही इसे खोला गया था अभी 5 दिन पहले ही. और रविवार को लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचे थे सैर सपाटे के लिए जहाँ पर फोटो और सेल्फीज क्लिक कर रहे थे और उस दौरान अचानक से ये पुल बीच में से टूट गया, ये हैंगिंग ब्रिज, और लोग नदी में बह गए.
तो काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, करीब 132 लोग जिनकी मौत हो गई है। चीख पुकार मौके पर मच गई थी, डूबते हुए लोग, 15 घंटे से रेस्क्यू लगातार चल रहा है, वहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं कि जब रिनोवेट किया गया था इस पुल को, तो फिर आखिर कैसे पुल टूट गया। तो अब SIT गठित की गई है इसे लेकर, जो कि इस मामले की जांच करेगी। एक मोरबी के अंदर खूब दुखद प्रकार की घटना पुल टूटने के कारण बनी थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और काफ़ी लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर भी तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। हमारी तमाम एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी गई हैं। तमाम विस्तारों में जो एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी है, उनके साथ साथ पुलिस द्वारा कर्मचारी पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े और तात्कालिक उसको मेडिकल केयर मिले। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, वो भी इस कामगिरी में जुटी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा, सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं। अभी नेट का एक मैश निकालने के लिए हाइड्रा लगा के खींचने वाले हैं दूसरे साइड का, तो उसके अलावा शायद कोई फंसा होगा स्लश के अंदर, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं और रेस्क्यू बोट्स अभी मूव हो रही है। हमारे SDRF की दो टीम आई है, NDRF की एक टीम हमारे और एक बड़ोड़ा से आई है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की टीम्स भी आई है और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट, राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई। डिजास्टर है तो सब टीम वर्क है और शायद भगवान की कृपा से सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा था। अभी देखते हैं इसका परिणाम क्या है। इसमें हमको जब से कॉल मिला राजकोट फायर ब्रिगेड को, तब राजकोट फायर ब्रिगेड ने 6 बोट, 6 एम्बुलेंस और 2 रेस्क्यू वन भेजे थे और 60 जवान भेजे थे, उसमें ऑफिसर भी इंक्लूड थे। उसके बाद बड़ोड़ा, अहमदाबाद, गोंडल, जामनगर, वो सभी का कच्छ से भी अलग अलग नगर पालिका से कुल मिला के अभी रेस्क्यू कामगिरी में हमारी 20 बोट काम कर रही है और 12 फायर टेंडर और रेस्क्यू वन है और 15 के अबव एम्बुलेंस भी हैं और सभी कुल मिला के पूरा स्टाफ 180 के आसपास है और वो सब राहत कामगिरी यानी रेस्क्यू कामगिरी अभी बोट से कर रहे हैं पूरी रात से जब से लगे। मित्रों, आज का एकता दौड़ का एक कार्यक्रम विशेष महत्व इसलिए रखता है कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चीर शांति मिले। तो केंद्रीय गृह मंत्री संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उधर प्रधानमंत्री भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम शामिल हैं और तमाम तरह की राहत का उन्हें आश्वासन दिया गया है, कई तरह के मुआवजों की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि अभी तक 132 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 80 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं जिन्हें लेकर ये राहत बचाव कार्य चल रहा है और 177 के आसपास लोग हैं जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है। तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुके हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी के ओर से और सारी जनता के ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको, उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे और इसी समय
मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश पूरा करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और हमारे लोग, अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर पहुँच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशोक गहलोत साहब, जो वहाँ पर से हमने कहा कि उनको पहुँचने के लिए, वो भी पहुँच रहे हैं और हमारे सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने का। और इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज़ के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्लेम उसी वक्त आएगा जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा। और इस वक्त फिर एक बार मैं अपने एक बलपूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, साथ ही इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। एकता नगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो
राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।